सभी पशुपालक भाइयों को आपके अपने YouTube चैनल साइले डेयरी फार्म की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, रेगुलर रूटीन से अच्छे पशु दिखाने के प्रयास में हम हर उस छोटे से छोटे पशुपालक के घर पहुंच के और जो बड़ा से जो बड़ा हाईटेक डेयरी फार्म है उनकी जो पशुओं की वीडियो हम आपके साथ साझा करते रहते, तो आज उसी के प्रयास में आज हम मंजीत भाई के डेयरी फार्म पर पहुँचे हुए, यादव डेयरी फार्म पर। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मंजीत भाई जो कि सोशल मीडिया के बिल्कुल जाना माना चेहरे और हर बार दोस्तों भाई मंजीत के डेयरी फार्म पर जो कि क्वालिटी वाली बैचेज लगभग जो कि 3 से 4 पशु जो कि हर टाइम बिक्री के लिए उपलब्ध रहते हैं, किसी भी टाइम आप भाई मंजीत से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जाके जो कि आप पशु धन है वो देख सकते हैं। ज़्यादा ना टाइम लेते हुए आप स्क्रीन पर जो आप जोटी देख पा रहे हैं, हम इसकी जो कि डिटेल्स है वो भी वीडियो के अंदर देंगे। ज़्यादा मैं बताना चाहूँगा, वीडियो में अंत तक ज़रूर जुड़ें, काफ़ी वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी लेकिन मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को जो कि वीडियो देखने में जो कि आनंद आएगा वो काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आज की अपनी कवरेज गांव खेड़ा थरू डिस्ट्रिक्ट लगता है झज्जर और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर आप जोटी देख पा रहे हैं, मैं इसकी जो कि डिटेल्स आपको बताना चाहूँगा। सेकेंड टाइमर जोटी है और दोस्तों बताना चाहूँगा, फर्स्ट और सेकेंड टाइमर जोटियों की आप लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं, जो अपने घर के लिए स्पेशल जो एक पशुधन रखता है वो फर्स्ट और सेकंड जोटियों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड करता है। तो आज उसी डिमांड के वो आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए सेकंड टाइमर जोटी लेके आ रहे हैं यादव डेयरी फार्म से। यादव डेयरी फार्म मैं बताना चाहूँगा काफ़ी अच्छा पशुधन के लिए जाना जाता है, हरियाणा में नहीं जो अदर स्टेट्स है, जो बाहर के जो बायर से भी हैं वो मंजीत भाई का ज़रूर जानते हैं। और मंजीत भाई जो कि सबसे ज़्यादा जो कि ऑनलाइन पशु है वो सेल करते हैं, और मैं बताना चाहूँगा हमारा भी यही प्रयास रहता है कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा जो कि पशुधन है कहीं ना कहीं से आप लोगों को दिखाया जाए। तो जैसे कि जो आप स्क्रीन पर जो आप जोटी देख पा रहे हैं, सेकंड टाइमर जोटी है और लगभग दांतों में छः दांत है, साथ में विद फीमेल। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा जो अपने घर के लिए स्पेशल एक जोटी रखते हैं वो जो कि फीमेल जो जोटी होती है उसके साथ जो कि फीमेल होती है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि जो आप अगाड़ी देख सकते हो, 3.5 किलो की जो कि इसकी अगाड़ी है आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, काफ़ी जोशीला आर्डर और जो थनों का स्पेस है वो भी काफ़ी लाजवाब, बिल्कुल खड़े पुट्ठे की सिंगल हड्डी की हम इसको जो कि जोटी हम कह सकते हैं। बात करें इसकी फेस क्वालिटी की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी छोटा फेस, छोटा हेड, छोटा सींग। क्वालिटी के मामले में बताना चाहूँगा भाई मंजीत फील्ड में से काफ़ी अच्छा से अच्छा जो कि पशुधन आपके समक्ष हर टाइम जो कि भाई के डेयरी फार्म पर आपके लिए उपलब्ध रहता है, किसी भी टाइम जाके आप वहां पे जो कि पशुधन है वो देख सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा भाई मंजीत ने जो कि 16 से 17 जो कि किलो दूध जो कि रेकमेंड किया था, देखते हैं कि जोटी कितना दूध देती है। जो बात करें इसकी चुआई की, भाई मंजीत कहते हैं कि मेरे पशुधन की जो कि चुआई की और जो कि छैया पपैया की जो कि फुल गारंटी होगी, किसी भी टाइम यहाँ पे आप जाके जो कि पशुधन है वो ले सकते हैं, फुल गारंटी होगी जो कि नीचे की जो कि फुल गारंटी होगी भाई मंजीत ने कहा था। और हर बार अपने भी वीडियो में भाई मंजीत ऐसा ही आप लोगों को बताते हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। बात करें इसकी हाइट और लेंथ की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और जो कि 6 दांत जोटी जो कि मैं बताना चाहूँगा काफ़ी कम जो कि सेकंड टाइमर जोटी काफ़ी कम देखने को मिलती है। 6 दांत लगभग जो कि मिलती भी है तो वो दाँती भरी हुई जो कि आपको सेकंड टाइमर जोटी मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हो जो टैल है लगभग 5 से जो कि 6 इंच बाल वाइट है, बाकी पूरी ब्लैक है, और साथ में जो कि मैं बताना चाहूँगा फीमेल काफ है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर जुड़े, जो कि इसके लाइव मिल्किंग काफ़ी भाई पशुपालक भाई जो कि लाइव मिल्किंग को काफ़ी ज़्यादा जो कि पसंद करते हैं, तो आज उसी के प्रयास में हम आपके लिए जो कि एक लाइव मिल्किंग की वीडियो मंजीत भाई के डेयरी फार्म से लेके आ रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। किसी भी प्रकार की आप भाई से डिटेल्स लेना चाहती हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें, देखते हैं कि जोटी कितना दूध निकालती है।